हे, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम्हें याद है तुम्हारे अध्यापक तुम्हारे स्कूल में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे? नहीं, वो तो हमें स्पीच की कोशिश करवाते थे और बोलने की प्रैक्टिस करते थे। हाँ, मुझे भी याद है। मेरे भी अध्यापक हमें सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने देते थे और हमें मारते थे। हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता था। हम तो चुपके चुपके बात किया करते थे ताकि हमारे अध्यापक हमें देख ना सके। अरे, तुम्हें तो कितनी दिक्कत होती होगी ना ताकि तुम्हें कोई देख ना पाए। हाँ, सही में। तुम बताओ, तुमने सांकेतिक भाषा कब सीखी? मैंने सांकेतिक भाषा बहुत ही बाद में सीखी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं बधिर दोस्तों से मिला और उनसे मैंने सांकेतिक भाषा सीखी। शुरुआत में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको सीखकर अपने आप को व्यक्त करना शुरू कर दिया। कितना अच्छा है ना, हम दोनों कितने आराम से बात कर पा रहे हैं, इसीलिए हम जागरूकता फैला रहे हैं। हाँ, सही कहा। कितना अजीब है ना, बहुत ही ऐसे श्रवण लोग हैं जो ऑनलाइन सांकेतिक भाषा सीख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे बधिर बच्चे हैं जिनको इससे वंचित रखा गया है। इसे हमें बदलना होगा। हाँ, सही कहा। इसी विषय में हम जागरूकता के उपलक्ष्य में एक कैंपेन कर रहे हैं, #inclusionwithISL, जिससे लोगों में जागरूकता फैलेगी और लोग सांकेतिक भाषा का महत्व समझ सकेंगे। तुम्हें पता है, एक अच्छी खबर है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ पाएंगे। कितना अच्छा है ना। तुम्हें पता है, ऐसी 62 देश हैं जिन्होंने सांकेतिक भाषा को मान्यता दे रखी है। हाँ, मुझे ध्यान है 2018 में नैड ने सांकेतिक भाषा को एक मान्यता प्राप्त करवाने के लिए, ताकि वह हमारे भारत के संविधान में अनुभाग 8 में लिखा जाए, उसके लिए कोशिश की थी। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए हमें अभी भी लड़ना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें इसके लिए और लड़ना पड़ेगा ताकि बधिर बच्चों को सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करने दी जाए और उन्हें सुगमता प्राप्त हो। हाँ, यह बधिर लोगों का एक मानवीय अधिकार है, जैसे कि ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, जब भी वह बधिर बच्चों के माँ बाप से मिले तो वह उन्हें जरूर बताए कि सांकेतिक भाषा को भी एक विकल्प की तरह लिया जा सकता है। बाहर के देशों में ऐसा अनुसंधान किया गया है, जब भी बधिर बच्चे को उनके पैदा होते ही उन्हें सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है, तो उनमें भाषा का विकास बहुत ही तेजी से होता है। हाँ, एक नई भाषा सीखने में कोई भी हामी नहीं है, तो हमें सांकेतिक भाषा जरूर सीखनी चाहिए, जिसके लाभ श्रवण व्यक्ति और बधिर व्यक्ति दोनों को होते हैं। हम बहुत ही जल्द ऐसी वीडियो साझा करेंगे जिसमें आप सांकेतिक भाषा के लाभ को देख पाएंगे। हाँ, सही कहा। थैंक यू।